नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवेज में। मेरा नाम है अमित और ये है फोक्सवैगन की नई टाइगन। उनकी 4 SUV प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल SUV, और आज इसे अनवील किया गया है यहाँ गोवा में। मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसका इंटीरियर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं, इंटरेस्टिंग है। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग फोक्सवैगन के फैंस हैं और इस गाड़ी का बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या नया है और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइज़ की, और 2651 mm के व्हील बेस के साथ ये MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिस पर पोशाक भी आधारित है। और वो गाड़ी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, तो डायमेंशंस के लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि इस गाड़ी का व्हील बेस जो है ये इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां जो है क्रेटा और सेल्टोस उनसे ज़रा ज़्यादा है, लेकिन लेंथ और हाइट के मामले में ये गाड़ी ज़रा छोटी रहेगी, लेकिन फिर भी ये उसी सेगमेंट में आएगी। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 200 mm का मिलेगा, हालांकि ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन देख करके लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर नज़र आता है। अब अगर हम लोग इसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर जो टिपिकल फोक्सवैगन लाइंस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। एक बड़ा ही सॉलिड स्क्वायर्ड ऑफ बम्पर जो कि हाई है, और बड़ी ही प्रोमिनेंट क्रीजेज बॉनेट के ऊपर। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आएगी वो है ये नया फोक्सवैगन का ब्रांड लोगो। और ये जो गाड़ी है ये उन चुनिंदा नई गाड़ियों में से है जिन पर ये नया लोगो अभी डाला जाएगा। अगर आप इसके ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर कुछ कुछ हनी कोम मैश ग्रिल का स्टाइलिंग लिए हुए आपको 3 क्रोम स्लैश नज़र आएंगे, जिसमें ऊपर वाला जो स्लैट है इस पर किसी तरह की कोई स्टाइलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये एलिमेंट्स नज़र आएंगे। लाइटिंग जो है ये हेडलैम्प एरिया पूरी तरह से LED है, ऊपर आपको यहाँ पर DRL नज़र आएगा, और नीचे ये यहाँ पर आपको ब्लिंकर्स नज़र आ रहे होंगे और LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन हेडलैम्प असेंबली है यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं मिलता है, कॉर्नरिंग फंक्शन यहाँ से मिलता है आपको, जो कि है एक फॉग लैम्प और ये एक हैलोजन है। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक बेंडिंग लाइट्स मिलती हैं, एक्टिव बेंडिंग लाइट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं। बम्पर का जो निचला हिस्सा है यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इंटरप्ले मिलता है कलर्स का और सर्फेसिस का, और एक ग्लॉसी ब्लैक पार्ट जो है ये इसका मेन पार्ट है, और एक काफ़ी बड़ा क्रोम एलिमेंट भी यहाँ पर दिया गया है जो कि मोटे तौर पर फॉग लैम्प को हाउस करता है। और बीच में आपको ये एक डल ब्लैक एलिमेंट भी नज़र आएगा, कुछ लाइंस यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, और जो निचला पार्ट है यहाँ पर आपको ये हनीकॉम मैश में नज़र आएगा। सबसे नीचे आपको जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर में नज़र आएगी। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये सब मिल करके इससे एक ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा ब्रॉनी SUV बनाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक पूरा स्वरूप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बुच या बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन या बहुत ज़्यादा बड़ा SUV बन के सामने नहीं आता है। जो टिपिकल फोक्सवैगन लाइंस हैं जहाँ पर आपको एक बहुत ही सटल तरीके से एक अग्रेसिव स्टांस मिलता है, उस तरह का कुछ स्वरूप ये लिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप व्हील्स को देखेंगे तो ये 17-inch व्हील्स हैं, और यहाँ पर आपको ये डिस्क के ऊपर कॉन्ट्रास्टिंग रेड कैलिपर्स नज़र आएंगे। ये 2-tone व्हील्स हैं यहाँ पर, और 205 सेक्शन गुडियर एश्योरेंस टायर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो लाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक हैं, आपको ऑटो वाइपर्स भी मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको एक्टिव बेंडिंग लाइट्स नहीं मिलेंगी। चलिए इसे हम साइड से देखते हैं, और यहाँ पर ये जो GT बैज आप देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट रहेगा, और ये जो गाड़ी है यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन GT वेरिएंट में आपको मिलेंगे। लोअर वेरिएंट्स भी होंगे, और हो सकता है उन वेरिएंट्स में बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो आपको ना मिलें। इसके अलावा ये GT बैच के ऊपर आपको एक क्रोम लाइनिंग और ग्लॉस बैक एलिमेंट मिलता है, और चूँकि ये एक SUVW यानी कि फोक्सवैगन का SUV है, तो इसके SUV स्वरूप को परिभाषित करने के लिए सब तरफ आपको एक अंडर क्लैडिंग ब्लैक कलर की नज़र आएगी। एक और जानने योग्य बात जो है वो ये है कि ये जो डोर्स हैं ये सिल्स के नीचे नहीं जाते हैं। कुछ SUVs में आपको ये फ़ीचर मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये फ़ीचर नहीं मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं ORVMs, और यहाँ पर आपको LED ब्लिंकर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के 360 डिग्री कैमराज मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये फ़ीचर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि चाबी आपको जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, और डोर हैंडल्स के ऊपर आपको ये बहुत ही खूबसूरती से फिनिश्ड क्रोम लाइनिंग भी मिलती है, और ये जो बटन है इसे दबा करके अगर चाबी आपकी जेब में है तो आप अंदर जा सकते हैं। अगर आप इसका ग्रीन हाउस एरिया देखेंगे तो आपको कुछ कुछ
स्कोडा कुशाक की याद आएगी, वहाँ पर भी एक छोटा क्वार्टर पैनल पीछे था, यानी कि अंदर लाइट की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको बाहर का दृश्य बड़े आराम से नज़र आएगा। तो अंदर बड़ा ही स्पेशियस सा माहौल आपको नज़र आएगा क्योंकि जो ग्रीन हाउस एरिया है काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा अगर आप रूफ़ देखेंगे ऊपर तो ये एक डार्क कलर में, ग्लॉसी डार्क कलर में फिनिश की गई है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग रूफ़ आपको मिलेगी। और सनरूफ जो है ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, यहाँ पर आपको एक छोटी सनरूफ मिलती है, मेरे ख्याल से एक मिसिंग फीचर है। और यहाँ पर अगर पैनोरामिक सनरूफ मिलती है तो बहुत अच्छा रहता। रूफ़ रेल्स यहाँ पर सैटिन सिल्वर में फिनिश्ड है, और जो रूफ़ रेल्स और रूफ़ का एरिया है इसके बीच में कुछ गैप भी है। साथ ही आपको एक शार्क फिन एंटेना नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग इसे पीछे से देखते हैं, और इसका एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इस पूरी गाड़ी का, वो है ये कनेक्टेड LED लाइट्स, जो कि इसे काफ़ी ख़ास बना देती हैं। और रात के वक्त जब आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो ये अपना जो प्रेजेंस है ये बहुत दूर से अनाउंस करेगी, और ये देखने में वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इस गाड़ी की एक हाईलाइट है। हम लोग पीछे की कुछ और बात करें, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं, पीछे के व्हील्स पर आपको ड्रम ब्रेक्स भी मिलते हैं। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएगा जब आप इस गाड़ी को यहाँ साइड से देखते हैं, तो ये कुछ कुछ एक्सटेंड होता है जो गाड़ी का साइड प्रोफाइल है, टेल लैम्प सेक्शन जो है, और ये स्मोक्ड आउट सा जो एलिमेंट है ये इसके ज़रा अग्रेसिव से स्वरूप को और ज़्यादा परिभाषित करता है। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं टेल लैम्प्स, और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में इस तरह की कनेक्टेड टेल लैम्प्स वाली गाड़ियाँ आपको और कोई देखने को नहीं मिलेंगी, और ये इसे काफ़ी ख़ास बना देता है। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है ये है 385 लीटर्स, जो कि कुशाक जितना ही है। अगर आप इसे कंपेयर करने जाएँ क्रेटा या फिर सेल्टोस जैसी गाड़ियों से तो उनसे ज़रा कम है, लगभग 50 लीटर्स कम है। लेकिन एक छोटी फैमिली के लिए, एक 4-5 दिन के हॉलीडे पे जाने के लिए आप सफिशिएंट सामान इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको हाई माउंट LED स्टॉप लैंप्स मिलेंगे, रियर वॉश एंड वाइप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। आगे की ही तरह यहाँ पर भी आपको फोक्सवैगन का नया लोगो नज़र आएगा, और चूंकि ये GT वेरिएंट है तो GT बैजिंग मिलेगी, टाइगन बैजिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी, और जो अकेला कैमरा है तो ओनली कैमरा इज़ राइट हियर। प्रॉपर LED एलिमेंट्स के अलावा यहाँ पर आपको ये एक वाइड रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप भी नज़र आएगी, और इसके अलावा एक काफ़ी चंकी सा ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट है जो कि अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रियर ऑफ दिस कार लगाया हुआ है। तो ओवरऑल पीछे से ये गाड़ी काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। और नीचे जो बम्पर वाला एरिया है, यहाँ पर ये बम्पर जो है ये ग्रे में फिनिश है, पीछे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स नज़र आएंगे, रिफ्लेक्टर्स हैं लेकिन यहाँ पर रियर फॉग लैंप्स नहीं है। और आगे की ही तरह यहाँ पर क्रोम का एक एलिमेंट दिया है जो कि थीम सामने जैसी ही लिए हुए है। नीचे आपको रियर ये स्किड प्लेट भी नज़र आएगी। ओवरऑल एक बड़ा ही हैंडसम सा लुक लिए हुए है ये गाड़ी, हालांकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र नहीं आती है। यहाँ पे अगर आप फीचर्स की बात करें तो आपको सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ESP यहाँ पर आपको मिलेगा, हिल होल्ड मिलेगा, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल मिलेगा, इसके अलावा 10 इंच की स्क्रीन मिलेगी, काफ़ी अच्छा साउंडिंग ऑडियो सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिलेंगी, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर मिसिंग है। आपको अगर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज जैसे कि रिमोट इंजन स्टार्ट या स्टॉप चाहिए तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग में आपको रेक और रीच एडजस्टेबिलिटी दोनों ही मिलेगी, लेकिन ड्राइवर साइड जो सीट है वहाँ पर पावर एडजस्टमेंट्स यहाँ पर मिसिंग है। ग्लव बॉक्स जो है ये कूल्ड है, और सीट्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। पीछे जो सीट्स हैं इसमें आपको तीनों ही सीट्स में हेडरेस्ट मिलते हैं, तीन लोग आप पीछे बिठा सकते हैं, 3-point सीट बेल्ट्स मिलती हैं आपको। लेग रूम हमने इसमें बैठ करके देखा था, ठीक ठाक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो लेग रूम है ये इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा जेनरस नहीं है लेकिन ठीक है। तीन लोग जब आप एब्रेस्ट बैठते हैं तो शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन लंबी जर्नीज़ के लिए पीछे की जो सीट है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। हेडरूम मैंने जब बैठ करके देखा तो अप टू 6 feet 6 feet 1 inch तक के लोगों के लिए पीछे हेडरूम आपके लिए सफिशिएंट है। हालांकि यहाँ पर इक्विपमेंट काफ़ी सारा दिया गया है, लेकिन इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं यहाँ पर, और मैंने आपको उनके बारे में बताया। 360 डिग्री कैमरा भी उनमें से एक है। ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है, जो अर्गोनॉमिक्स हैं, जो सीट की क्वालिटी है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन डैशबोर्ड पर मेरे ख्याल से ज़रा सॉफ्ट टू टच मटेरियल होता तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता, वो एक प्रीमियम लुक को इस गाड़ी की और ज़्यादा उभार करके सामने लाता। अंदर की अगर मैं बात करूं तो हम लोग शुरू करते हैं सामने से, और सामने आपको फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है जहां पर आपको नीचे स्पेस भी मिलता है। इसके अलावा काफ़ी सारा ओपन स्पेस इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है,
डैशबोर्ड के नीचे भी आपको स्पेस मिलता है अपना वॉलेट या फिर सेलफोन रखने के लिए। डोर पैनल्स में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। ग्लव बॉक्स का साइज़ भी अच्छा है जो कि कूल भी है। इसके अलावा आपको जो आर्मरेस्ट है उसके नीचे जो स्पेस मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो स्पेस के लिहाज से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इंच का जो टच स्क्रीन सिस्टम है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। टच रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है और ये कुशाक के साथ शेयर्ड भी है, ये बात बहुत ही एविडेंट है। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर फुली डिजिटल है जो कि आपको कुशाक में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो टॉप ऑफ द लाइन जीटी वेरिएंट यहाँ पर खड़ा है, इसमें जो पेडल्स थे ये हमें मेटल के देखने को मिले और उसके ऊपर रबर ग्रिप्स भी थे। इलेक्ट्रिक सीट्स हमने यहाँ पर मिस करी, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगा हायर वेरिएंट्स में, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है। ओवरऑल जो केबिन है ये वेल अपॉइंटेड है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो डैशबोर्ड है यहाँ पर प्लास्टिक्स की क्वालिटी ज़रा बेहतर हो सकती थी, खासतौर पर फ्रंट जो पार्ट है डैशबोर्ड का, वहाँ पर अगर ज़्यादा रिच मटेरियल्स होते, ज़्यादा सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है जो कि इस जीटी वेरिएंट में हमको रेड कलर की देखने के लिए मिली। इसके अलावा सामने आपको दो यूएसबी टाइप सी सॉकेट्स भी देखने को मिलते हैं और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कापले आपको वायर्ड और वायरलेस दोनों ही तरीके से कनेक्टेबल मिलता है। अगर हम लोग पीछे की सीट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको टाइप सी यूएसबी सॉकेट और एसी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सीट्स आपको यहाँ पर फैब्रिक और लेदरेट का मिक्स मिलेगा, यहाँ पर लेदर सीट्स हमको देखने के लिए नहीं मिली। पीछे भी आगे की तरह डोर पैनल्स में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है बॉटल्स या फिर कुछ और सामान रखने के लिए। यहाँ पर आपको पीछे की ओर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं, तीन इंडिपेंडेंट हेडरेस्ट मिलते हैं, तीन इंडिविजुअल सीट्स मिलती हैं। नीचे ट्रांसमिशन टनल का हम्प जो है बहुत छोटा है, तो आप तीन लोगों को बिठा सकते हैं, लेकिन अगर साइज़ बहुत बड़ा है तीन लोगों का तो बहुत स्क्वीज़ हो जाता है। स्लिम बिल्ट लोग यहाँ पर मीडियम जर्नीज़ के लिए बैठ सकते हैं और मीडियम बिल्ट लोग शॉर्ट जर्नीज़ के लिए बैठ सकते हैं। लेग रूम यहाँ पर ठीक ठाक है, सेगमेंट लीडिंग नहीं है, ना ही शोल्डर रूम, ना ही लेग रूम यहाँ पर सेगमेंट लीडिंग है। हेड रूम ठीक ठाक है, 6 फीट 1 इंच तक के लोग यहाँ पर पीछे वाली सीट पर बैठेंगे तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा सीट जो है पीछे की ये 60-40 स्प्लिट हैं जो कि आपको सामान को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डालने के लिए ज़रा और मददगार साबित होती हैं। ओवरऑल ये जो SUV है इसमें स्पेस की अगर आप बात करें तो चार लोगों की फैमिली के लिए ये आइडियल है। पांच लोगों की फैमिली अगर इसमें साथ में ट्रैवल कर रही है, खासतौर पर पांच एडल्ट्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाए। इस गाड़ी को लॉन्च होने में अभी कुछ वक्त है, ये इसका सिर्फ प्रीव्यू है और ये गाड़ी लॉन्च होगी फेस्टिव सीज़न से जस्ट पहले और ये उसी सेगमेंट में लॉन्च होगी जहाँ पर अभी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, स्कोडा कुशाक और ये गाड़ी आने वाली है। और इसकी कीमतें अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये कहीं ना कहीं 11-12 लाख रुपीज़ से लेकर के 17 लाख रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगी। और इंजन ऑप्शन जो है वो TSI जो नई टेक्नोलॉजी है फोक्सवैगन की, जिसके द्वारा और भी फोक्सवैगन ग्रुप की बहुत सारी गाड़ियाँ पावर्ड हैं, वही इंजन यहाँ पर भी मिलेंगे। ड्राइव लाइंस यहाँ पर कुशाक जैसी ही रहेंगी। 1 लीटर और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज TSI इंजन्स यहाँ पर रहेंगे। 1 लीटर जो TSI इंजन है यहाँ पर आपको 115 PS की पीक पावर और 175 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क मिलेगी और 1.5 TSI में आपको 150 PS की पीक पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क मिलेगी। यहाँ पर जो छोटा इंजन है वहाँ पर 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक मिलेगा और 1.5 लीटर जो बड़ा इंजन है वहाँ पर आपको 6-speed मैनुअल और 7-speed DSG मिलेगा। फोक्सवैगन का जो बैज है ये ऑब्वियसली एक बड़ा ही प्रीमियम बैज है और बहुत सारे लोग इस बैज के साथ गाड़ी को चलाना चाहते हैं और इसके जो लुक्स हैं ये एक सोफिस्टिकेटेड बायर के लिए काफ़ी अपीलिंग रहेंगे, लेकिन एक जो फ्लैश होता है जो एक बुच फैक्टर होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। मेरे ख्याल से ये एक और ज़्यादा अग्रेसिव SUV जैसा नज़र आ सकता था और कुछ फीचर्स भी यहाँ पर मिसिंग हैं। इस गाड़ी की जो पॉपुलैरिटी होगी मेरे ख्याल से वो इसकी कीमतों पर ज़्यादा डिपेंड करेगी और चूंकि यहाँ पर आपको 95% लोकलाइजेशन कंटेंट अब मिलेगा तो मेरी उम्मीद है कि फोक्सवैगन ग्रुप अपने नए स्ट्रेटजी के तहत इसे काफ़ी अग्रेसिवली प्राइस कर सकता है और अगर वैसा हुआ तो डेफिनेटली इस गाड़ी को काफ़ी सारे बायर्स पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके नए टाइगुन से संबंधित जितने भी सवाल थे उनमें से ज़्यादातर के जवाब दे पाया, क्योंकि मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई शक व शुबा हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरइड्स को और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ़।